मॉर्निंग भैया, आज हम इंग्लिश का चैप्टर 9 पढ़ेंगे, सेकंड पार्ट। भोली वाज 7 इयर्स ओल्ड। भोली 7 साल की थी वेन, जब मंगला वाज मैरिड, जब मंगला की शादी हुई थी। द सेम ईयर उसी वर्ष, अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स, तो लड़कियों के लिए एक प्राइमरी स्कूल वॉज ओपन, खुला था, इन दियर विलेज, उनके गाँव में। तो जब भोली 7 साल की थी और मंगला की शादी हो गई थी, उसी साल गांव में गर्ल्स के लिए एक प्राइमरी स्कूल खुला था। दी तहसीलदार साहेब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी, तो उसका जो ओपनिंग सेरेमनी था, उसका जो शुभारंभ समारोह था, उसमें तहसीलदार साहब आए थे। ही सेड टू रामलाल, उन्होंने रामलाल से कहा, एज अ रेवेन्यू ऑफिशियल, एक राजस्व अधिकारी के रूप में, यू आर दी रिप्रेजेंटेटिव, तुम्हारा यह दायित्व है ऑफ द गवर्नमेंट का इन द विलेज, गांव में, एंड सो यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल, और तुम्हें एक एग्जाम्पल प्रस्तुत करना चाहिए टू द विलेजर्स, गांव वालों के लिए। तो तहसीलदार साहब जब गांव में आते हैं तो रामलाल से कहते हैं कि एक ऑफिशियल मतलब राजस्व अधिकारी होने के नाते तुम्हें सरकार का जो प्रतिनिधित्व करने के लिए इन द विलेज, गांव में, तो गांव में सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए तुम्हें एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए गांव वालों के सामने। यू मस्ट सेंड योर डॉटर्स टू स्कूल, तुम्हें अपनी लड़कियों को विद्यालय में भेजना चाहिए। देट नाइट, उस रात, वेन, जब रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ, कंसल्टेड मीन्स विचार विमर्श करना, तो जब रामलाल उसकी वाइफ से कंसल्ट कर रहा था, सी क्राइड, तो वह चिल्लाती है, आर यू क्रेजी, क्या तुम पागल हो, इफ गर्ल्स गो टू स्कूल, यदि लड़कियां स्कूल जाएंगी, हु विल मैरी देम, तो उनसे शादी कौन करेगा। बट रामलाल हैड नॉट दी करेज टू डिस ओबे दी तहसीलदार, डिस ओबे मीन्स है यहाँ पे अवज्ञा करना, लेकिन रामलाल हैड नॉट दी करेज, लेकिन रामलाल में इतना साहस नहीं था, करेज मीन साहस, टू डिस ओबे दी तहसीलदार, कि वह तहसीलदार की अवज्ञा करे। एट लास्ट, अंत में, हिज वाइफ सेड, और अंत में उसकी वाइफ ने कहा, आई विल टेल यू, मैं तुम्हें बता दूँ, वॉट टू डू, कि तुम्हें क्या करना चाहिए, तो मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हें क्या करना चाहिए। सेंड भोली टू स्कूल, की भोली को स्कूल भेज दो, एज इट इज़, और जैसा भी हो, देयर इज़ अ लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड, और उसकी शादी का कोई भी चांस नहीं है, ऐसा कोई भी चांस नहीं है बिल्कुल भी कि उसकी शादी होगी। विद हर अगली फेस, उसका जो अगली फेस था, बुरा चेहरा था, भद्दा चेहरा था, एंड लैक ऑफ सेंस, और उसमें समझ की कमी थी, लैक मीन्स कमी, सेंस मीन्स समझ। तो भोली की माँ बोलती है कि भोली को स्कूल भेज देना चाहिए, क्योंकि उसका फेस भी सुंदर नहीं है और उसमें समझ की भी कमी है। लेट द टीचर्स एट स्कूल वरी अबाउट हर, और वो कहती है हाँ, वो टीचर्स जो हैं स्कूल में, जो टीचर्स हैं, वही इसके बारे में चिंता करें, वरी मीन्स चिंता करना। तो भोली की माँ कहती है कि स्कूल के टीचर्स को ही भोली के लिए चिंता करने दो। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, रामलाल कॉट भोली बाय द हैंड, और फिर अगले दिन रामलाल ने भोली का हाथ पकड़ा, एंड सेड, और कहा, कम विद मी, मेरे साथ आओ, आई विल टेक यू टू स्कूल, मैं तुम्हें स्कूल लेकर चलूँगा। भोली वाज फाइटेंट, फाइटेंट मीन्स डरना, तो जैसे ही रामलाल भोली से कहता है कि मैं तुम्हें स्कूल लेकर चलूँगा, तो भोली डर जाती है, फाइटेंट मीन्स डरना। शी डिड नॉट शी डिड नॉट नो, वह नहीं जानती थी वॉट स्कूल वॉज लाइक, कि स्कूल कैसा होता है, कैसा दिखता है। शी रिमेम्बर्ड, उसे याद आया, हाउ अ फ्यू डेज अगो कुछ ही दिन पहले देयर ओल्ड काउ, उनकी बूढ़ी गाय थी, वृद्ध गाय थी, लक्ष्मी उनकी गाय का नाम था, हैड बीन टर्नड आउट, बाहर निकाल दिया गया था ऑफ द हाउस, घर से, तो उनकी जो वृद्ध गाय थी लक्ष्मी, उसे घर से बाहर निकाल दिया गया था, एंड सोल्ड मीन्स बेचना, और उसे बेच दिया गया था। नो शी स्टाउटेड इन टेरर मीन डर,
शाउटेड मीन्स चिल्लाना, तो वह डर से चिल्लाती हैं। एंड पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप, ग्रिप मीन्स पकड़, और उसके फादर की जो पकड़ थी, तो उसके फादर ने उसका जो हाथ पकड़ रखा था उससे वो उसे छुड़ाती है, अपने हाथ को खींचती है। व्हाट्स द मैटर विद यू, क्या बात है, क्या क्या मामला है, यू फूल, क्या तुम मूर्ख हो, शाउटेड रामलाल, रामलाल चिल्लाता है, क्या बात है, क्या तुम मूर्ख हो, आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल, मैं तो सिर्फ तुम्हें स्कूल ही ले जा रहा हूँ। देन तब ही टोल्ड हिज वाइफ, फिर वह अपनी वाइफ से बोलता है, लेट हर वियर, वियर मीन्स पहनाना, पहनना, लेट हर वियर सम डिसेंट क्लॉथ, उसे कुछ अच्छे ढंग के, डिसेंट मीन्स ढंग के, क्लॉथ मीन्स कपड़े, टुडे मीन्स आज, तो आज उसे कुछ ढंग के कपड़े पहनाओ, और एल्से वॉट विल दी टीचर्स, नहीं तो टीचर्स क्या कहेंगे, एंड दी अदर स्कूल गर्ल्स, और जो स्कूल की दूसरी लड़कियाँ हैं, थिंक ऑफ अस, हमारे बारे में क्या सोचेंगी, वैन दे सी हर, जब वे इसे देखेंगी। न्यू क्लॉथ हैड नेवर बीन मेड फॉर बोली, तो नए कपड़े कभी भी बोली के लिए नहीं बनवाए गए थे, नेवर मीन्स कभी नहीं। द ओल्ड ड्रेसेज ऑफ हर सिस्टर्स, उसकी बहनों की जो ओल्ड ड्रेसेस थी, पुराने वस्त्र थे, वर पास्ड ऑन टू हर, उसे पहनने के लिए दे दिए जाते थे। नो वन केयर टू मैंड, और मैंड मीन्स रिपेयर करना, तो नो वन केयर टू मैंड, कोई भी उसके वस्त्रों को रिपेयर नहीं करता, ठीक नहीं करता था, और वॉश हर क्लोथ, और ना ही कोई उसके कपड़ों को धोता था। बट टूडे, लेकिन आज, शी वॉज लक्की, वह सौभाग्यशाली थी, टू रिसीव, रिसीव मीन्स प्राप्त करना, अ क्लीन ड्रेस, एक अच्छी साफ सुथरी ड्रेस प्राप्त कर वह आज बहुत ही लक्की थी। विच हैड शंक, शंक मीन्स सिलवटे पड़ना, आफ्टर मैनी वॉशिंग, तो कई बार धोकर उस वस्त्र की धुलाई हुई थी, इसीलिए उसमें बहुत सारी सिलवटें पड़ गई थी। एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा, और कई दिनों से वह चंपा को फिट भी नहीं आती थी, तो जो ड्रेस भोली को दी गई थी वो चंपा को फिट नहीं आती थी। शी वाज इवन बैथ्ड, उसे नहलाया गया, एंड ऑयल वाज रब्ड इनटू हर ड्राई एंड मेल्टेड हेयर, और उसके बालों में उसको नहलाया गया, और उसके ड्राई जो बाल थे, घुंघराले बाल थे, उलझे हुए बाल थे, उसमें तेल लगाया गया। ओनली देन डिड शी बिगेन टू बिलीव, और फिर उसे यह विश्वास हो गया, देट की शी वॉज बींग टेकन टू अ प्लेस, उसे ऐसे स्थान पर ले जाया जा रहा है, बेटर देन हर होम, जो कि उनके घर की तुलना में अच्छा है, बेटर मीन्स बहुत अच्छा। When they reached the school, जब वे स्कूल पहुँचे, the children were already in their classrooms, तो जब रामलाल और भोली स्कूल पहुँचते हैं तो बच्चे पहले से ही क्लासरूम में थे। रामलाल handed over his daughter to the headmistress, headmistress प्रधानाध्यापिका, तो रामलाल अपनी बेटी को प्रधानाध्यापिका के हाथ में सौंपता है। Hands over, hand over means सौंपना। Left alone, वह अकेली रह जाती है। The poor girl, बेचारी लड़की, looked about her with her fear laden eyes, उसकी जो डरी हुई आँखें हैं उनसे वो इधर उधर देखने लगती है। There were several rooms, वह बहुत सारे, several means अनेक, कई सारे कमरे हैं। And in each room, girls like her squatted on mats, स्क्वेटेड मीन्स सिकुड़कर, मुड़कर बैठना, झुककर बैठना, मैट मीन्स चटाई, और सभी कमरों में जो गर्ल्स है वो झुककर बैठी हुई थी चटाइयों पर। रीडिंग फ्रॉम बुक्स, किताब पढ़ रही थी, और राइटिंग ऑन स्लेट, और स्लेट पर लिख रही थी। दी हैड मिस्ट्रेस आस्क्ड भोली, तो जो प्रधानाध्यापिका थी उन्होंने भोली से पूछा, भोली से कहा, टू सिट डाउन इन अ कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लासरूम, तो हेड मिस्ट्रेस ने भोली से कहा कि किसी भी क्लासरूम में एक कोने में बैठ जाओ, कॉर्नर मीन्स कोना।